असम में आपका स्वागत है। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट असम। असम, असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित एक राज्य है जो 78,438 किलोमीटर 30,285 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। असम का नाम आसमा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ अब विलुप्त हो चुकी अहोम भाषा में पियरलेस है। यह राज्य अपनी सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, जबकि पश्चिम में बांग्लादेश और मेघालय और पश्चिम बंगाल से साझा करता है। असम सबसे ज्यादा अपनी चाय और रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह राज्य एशिया में तेल ड्रिलिंग के लिए पहला स्थल भी था। असम एक सींग वाले भारतीय गैंडों का घर है जिन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। यदि आप असम राज्य की पूरी जानकारी फुल इंफॉर्मेशन अबाउट असम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख को पूरा पढ़े जिसमें आप असम का इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा, जनजातियाँ समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ले सकेंगे। असम से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य। असम का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में असम को प्रागज्योतिषपुर या प्रागज्योतिष कहा जाता था। असम का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त थे जिन्होंने श्री कृष्ण के अनुरोध पर महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। मौर्य काल के दौरान असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था जिसे शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आजादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था जिसकी राजधानी शिलांग थी। संस्कृति के आधार पर विभिन्न राज्यों की मांग पर 1968 में नागालैंड और फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। राज्य की राजधानी शिलांग के मेघालय चले जाने के बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। आदिवासी जनजाति और असम के स्थानीय लोग। असम पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों में बसा हुआ राज्य है जिसमें आज भी विभिन्न आदिवासी जनजातियां निवासरत है। 2001 की जनगणना के अनुसार असम की कुल जनसंख्या में 12.4% आदिवासी जनसंख्या थी जो 2009 में 15.64% हो गई थी। असम में जनजातियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अनुसूचित जनजाति पहाड़ी और अनुसूचित जनजाति मैदानी। बृहत्तर कचहरी समूह असम का एक प्रमुख हिस्सा है जिसमें 18 प्रमुख जनजातियां शामिल है। सुरम्य परिदृश्य और रंगीन रीति रिवाजों के साथ तालमेल बिठाते हुए असम के लोग विविधता में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। राज्य में परंपरा, संस्कृति, पहनावे और जीवन के विदेशी तरीके में उनकी विविधता के भीतर जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या है। असम की स्थानीय भाषा और धर्म। असमिया राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद बंगाली है जो बराक घाटी में आधिकारिक भाषा है और बोडो जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में सबसे अधिक बोली जाती है। यदि हम असम के धार्मिक समुदाय पर नजर डालें तो भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी सबसे अधिक हिंदू, उसके बाद मुसलमान, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के लोग निवास कर रहे हैं। असम की कला और शिल्प। असम भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ साथ अपनी कला और शिल्प के लिए भी जाना जाता है जो इसकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। असम अपनी लकड़ी, बेंत और बांस के शिल्प, मिट्टी के बर्तनों, हथकरघा, आभूषण और रंगीन मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध शिल्प निस्संदेह बांस और बेंत के उत्पाद है, लेकिन लकड़ी के काम जैसे अन्य शिल्प भी बहुत प्रसिद्ध है। पूजा की वस्तुओं के साथ साथ घरेलू सामानों के रूप में धातु शिल्प ने असम को उन लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है जो अपने घरों में देहातीपन का स्पर्श जोड़ना चाहते हैं।
जनजातीय मुखौटे और पारंपरिक चित्रकला शैली लोगों की जीवन शैली के साथ साथ संपन्न जनजातीय संस्कृति पर बड़े पैमाने पर जनजातीय प्रभाव को दर्शाती है, जो अभी भी राज्य का एक अभिन्न अंग है। बुनाई असमिया की पारंपरिक कला है, जहां अब भी असम लो महिलाएं हथकरघा उद्योग में कार्य करती हैं। असम की संस्कृति और रीति रिवाज। असम विविध संस्कृतियों से भरा हुआ राज्य है, जिसका सांस्कृतिक जीवन कई सांस्कृतिक संस्थानों और धार्मिक केंद्रों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सत्रा, एक धार्मिक प्रमुख की सीट जिसे सत्राधिकारी के रूप में जाना जाता है, और नामघर, प्रार्थना कक्ष। असम राज्य में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों प्रकार जनजातियां हैं, जिनके अपनी अपनी संस्कृति और रीति रिवाज है, जो एक दूसरे से काफी भिन्न है। असमिया लोग अपने पूर्वजों द्वारा अपने समुदायों से संबंधित रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करते हैं। ये रीति रिवाज ऐसी मान्यताएं हैं जो अतीत में उत्पन्न हुई थी और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी पालन की जाती रही है। असम में शादियों, जन्म, मृत्यु और त्योहारों में कई रीति रिवाज शामिल हैं, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। असम की कुछ जनजातियां मात्र सत्तात्मक व्यवस्था जैसे रीति रिवाजों का पालन करती हैं, जो यह दावा करती हैं कि माँ कबीले का केंद्र है और उसकी संपत्ति उसकी बेटियों को दी जाएगी। यदि पुत्रियां नहीं हैं, तो यह उसकी बहन की सबसे छोटी पुत्री को दी जाएगी। असम की पारंपरिक वेशभूषा। असमिया लोग बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर हाथ से करघा करते हैं। असमिया महिलाएं मोटिफ से भरपूर मेखला चादर या रिहा मेखला पहनती हैं, जबकि असमिया पुरुष धोती मोसा पहनते हैं, जो उनकी पारंपरिक पोशाक है। इसके ऊपर वे सिलिंग के नाम से जाना जाने वाला एक चादर लपेटते हैं। इनके अलावा पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को बीरी, मगरदाना, मातामोनी, कुंडल और लोकपारो कहा जाता है, जबकि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में केरू, करफुल, खारू, आर्गथी, नालत, केयूर और नूपुर शामिल हैं। वेशभूषा के अलावा असमिया महिलाएं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण आमतौर पर हाथ से डिजाइन किए और बनाए जाते हैं, जो वनस्पतियों और जीवों को दर्शाते हैं। लोग सोने और चांदी से बने आभूषणों की एक सुंदर और अनूठी शैली की किस्मों को पहनना पसंद करते हैं, जिन्हें आमतौर से माणिक या मीना से सजाया जाता है। असम के प्रसिद्ध त्योहार। अन्य सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह उत्सव असमिया जीवन का मूल है और इस राज्य में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। असम के सबसे प्रसिद्ध फेमस फेस्टिवल्स ऑफ असम इन हिंदी त्योहार बिहू कृषि चक्र से संबंधित है और विभिन्न फसल और रोपण मौसम के अनुरूप वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। मोहंग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू ये 3 त्योहार हैं, जो विभिन्न समुदायों द्वारा अपने विशिष्ट तरीके से नृत्य और अनुष्ठानों के साथ मनाए जाते हैं। माँ कामाख्या मंदिर में आयोजित अम्बुबाची मेला, अलियालिगांग और जोनमिल मेला असम के अन्य प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार हैं, जिन्हें बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। असम का प्रसिद्ध भोजन। असम का भोजन काफी सरल है, यहाँ पर खाने में ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रंगीन मसालों या तेल का कम से कम उपयोग करने के बावजूद यहाँ का भोजन विदेशी स्वाद और ताजे प्राकृतिक तत्वों से भरपूर है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले मसाले जीरा, धनिया, सरसों, अदरक, लहसुन, मेथी और इलायची शामिल है। स्थानीय व्यंजन में मुख्य रूप से चावल और मछली बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा असम में आप गाथोंगबा मछली और अदरक की करी, इरोंगबा कटहलगिरी की चटनी, लक्सा के साथ साथ भारतीय, चीनी, मुगली और महाद्वीपीय फूड का स्वाद भी ले सकते हैं। असम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। 1. माजुली, 2. गुवाहाटी, 3. जोरहाट, 4. शिवसागर, 5. मानस नेशनल पार्क, 6. काजीरंगा नेशनल पार्क, 7. डिब्रूगढ़, 8. दिसपुर,
9 कामाख्या देवी मंदिर, 10 कोरम राष्ट्रीय उद्यान, 11 सोलकुची, 12 असम स्टेट म्यूजियम, 13 उमानंद द्वीप, 14 पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य। असम घूमने का सबसे अच्छा समय। असम जाने के लिए अक्टूबर से अप्रैल सबसे अच्छे महीने हैं। असम ग्रीष्मकाल के दौरान चिलचिलाती गर्मी में पसीना बहाता है, राज्य मानसून के दौरान उच्च वर्षा और आर्द्रता का अनुभव करता है। अक्टूबर से अप्रैल के दौरान दिन में धूप और ठंडी रातों के साथ मौसम सुहावना होता है और बारिश मध्यम होती है। असम में गर्मियों का मौसम अप्रैल जून। गर्मियों का मौसम पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इस मौसम में पर्यटक कई गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इस दौरान तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है और जलवायु सुखद रहती है। असम में मानसून का मौसम जुलाई सितंबर। असम में मानसून जुलाई से सितंबर तक रहता है और औसतन 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। असम में सर्दियों का मौसम अक्टूबर मार्च। सर्दियों का मौसम असम का सबसे सुखद समय है क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत आरामदायक है। यहाँ का तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।